नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक खाटकिया फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के के अग्रवाल, मेरे साथ में हैं शोमा जी, मेरे साथ में हैं अरुणा जी, और हमारी 30 अप्रैल 2019 की मॉर्निंग ओपीडी का पहला स्लॉट। सुधा जी हैं, 58 साल की हैं, दिल्ली से आती हैं। हार्ट के एक वैल्व के अंदर में इनको नैरोइंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं। अख्तर ये हैं, 47 साल की हैं, ये भी गाजियाबाद से आती हैं। इनके भी हार्ट का एक वैल्व खराब है और मेडिकल ट्रीटमेंट में है, साथ में गठिया की बीमारी है। दोनों में हार्ट के चार दरवाजे होते हैं, दो दरवाजे लेफ्ट साइड के, दो दरवाजे राइट साइड के। जो दरवाजा लेफ्ट साइड का ब्रेन में जाता है उसे एओर्टिक वैल्व बोलते हैं, और जो दरवाजा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके ब्रेन में जाता है उसे मिट्रल वैल्व बोलते हैं। अख्तरी जी के मिट्रल वैल्व में नैरोइंग है और सुधार जी के एओर्टिक वैल्व में नैरोइंग है, और साथ में फिरोज है मेरे को, इसको भी मिट्रल वैल्व इसका खराब है लेकिन दवाइयों पे हम इलाज कर रहे हैं। तीनों का अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर में इनकी प्रोग्रेशन ठीक है तो उसके हिसाब से आगे चलेंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और किसी को भी अगर हार्ट के रिलेटेड कोई समस्या हो तो समीर मलिक हाटकिया फाउंडेशन फंड को वो अप्रोच कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। 30 अप्रैल 2019 मॉर्निंग की ओपीडी, और ये हमारे अगले तीन पेशेंट्स। मेरे साथ में शोमा जी हैं, अरुणा जी हैं, गीता जी हैं, धीरज हैं, और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं विक्रांत खत्री जी, जो सेल्स मैनेजर हैं एरिज फार्मास्यूटिकल से। सो एरिज विक्रांत जी, हमारी ये रेगुलर ओपीडी होती है मंगलवार को, और पूरे इंडिया से लोग हमारे पास आते हैं, और जो लोग हार्ट की सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सर्जरी हम कराते देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है जिसका कोई नहीं, उसका हार्ट केयर फाउंडेशन है। आज के हमारे पेशेंट हैं कुमारा खातून, 22 साल की थी जब ये हमारे पास में आई थी। इनको पूरे हार्ट के अंदर में कॉम्प्लेक्स कंजनाइटल हार्ट डिसीज थी, और अगस्त 2014 में मेदांता में हमने इसको अडॉप्ट किया और ऑपरेशन करा के दिया। आज 5 साल हो गए हैं और ये पहले से बेटर हैं, रेगुलर फॉलोअप के लिए हमारे पास में आ रही हैं। हमारा जी हमारे साथ में, इनको 5 साल पहले बिल्कुल ब्लू थी, हाथ पैर सारे ब्लू थे, अब 5 साल से हमने इसको एडॉप्ट किया, सर्जरी कराई वेदांता में, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। मेरे साथ में देवेंद्र सिंह जी हैं, जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन है। देवेंद्र जी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर में है, इन्हें सर्जरी की हमें कहीं कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे साथ में जोगा राम जी हैं, 57 साल के हैं, दिल्ली से आते हैं, इनको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास में हैं। ये थे हमारे, और तो कोई नहीं, शेख अफजल हैं हमारे साथ में, ये भी हमारे पास में रेगुलर ट्रीटमेंट में हमारे पास में आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं। तो ये चारों पेशेंट्स में से एक की हमने सर्जरी में अडॉप्ट करी और बाकी तीन को हमें लगा कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। विक्रांत जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं कहूँगा कि इट्स वन ऑफ द वंडरफुल इनिशिएटिव, और अगर इसकी अवेयरनेस और फैल जाए तो ज्यादा जाए लोगों को लास्ट कॉर्नर तक बेनिफिट। तो हमने आपको इसलिए बिठाया है कि आपके तो इतनी सारी सेना है, सबको बताओ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमें फॉरवर्ड करें उसके साथ में। धन्यवाद। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हाटकिया फाउंडेशन फंड। मैं हूँ डॉक्टर के के अग्रवाल, मेरे साथ में है दीपे गुप्ता जी, मेरे साथ में गीता जी, अरुणा जी, और पेशेंट है मास्टर शिव शंकर। 1 साल 3 महीने का था, बिहार से आता है, जब हमारे पास में आया था जून 2017 में। बच्चे को कंजनाइटल हार्ट डिसीज थी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, यानी कि हार्ट के अंदर में बड़े चैम्बर्स के अंदर में बड़ा होल जिसे VSD बोलते हैं, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, साथ में उसके साथ में जो है पल्मोनरी स्टेनोसिस इसकी थी, टोटल करेक्शन की जरूरत थी, अफोर्ड कर नहीं सकते थे। समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड ने इनको अडॉप्ट किया, इसको मेदांता में 27 जून 2017 के अंदर में इसका ऑपरेशन हुआ, जहां पे मेदांता और समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और इनकी सर्जरी करवा के देते हैं। आज ये बच्चा 3 साल का है, हमारे बीच में आया है, इनके पेरेंट्स साथ, इसकी माँ इसके साथ में है, आइए इसकी माँ से बात करते हैं। कैसी है बच्ची, है बताओ? ये तो लड़का है ना, हाँ। तो फिर इसके बाल ऐसे क्यों बना रखे हैं लड़कियों जैसे? पूजा गाछ है ना, है ना, इसका ऑपरेशन हुआ था तब के पूजा गाछ थी, मुंडन थी, मनोती। तो कब होएगा मनोती, कब होएगी पूरी? अब करवाएंगे, 5 साल पे कराएंगे। क्या पढ़ाओगे इसको?
अब बाकी क्या बनाओगे पढ़ाते उसको? अच्छा ये बताओ, हमने आपकी इतनी हेल्प करी, इसको ऑपरेशन करा के दिया, तुमने लोगों का क्या किया? भाई इसकी जरूरत थी, तुम्हारी जरूरत हमने पूरी करी, तो तुमने समाज के लिए क्या किया लास्ट 2 साल में? सर बताते थे ना आप, तुम्हारे तुमने समाज के लिए क्या किया? मेरे बारे में थोड़ी बताना है, तुम मेरी पब्लिसिटी थोड़ी कर रहे हो। तुमने समाज के लिए क्या किया? क्या काम करते हो तुम? क्या करते हो तुम? क्या करते हो नोएडा में? क्या करते हो तो पूछ रहा हूँ। लेयर बिछाने का और क्या करती है तुम्हारी पत्ती? घर में रहती है सर। आपको तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, कर्ज तो उतारना पड़ेगा ना, हमारा जो कर्ज है वो तो उतारना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे उतारोगे कर्ज हमारा? गरीब आदमी को खाना खिला के, सड़क घर घर के अंदर है, बाहर कोई बच्चा है उसको पढ़ा के, इसको पढ़ाती हो तो उसको भी पढ़ाओ घर में बुला के, कभी किसी को घर में गरीब आदमी को बुला के खाना खिला दिया, आस पड़ोस में लोगों की सहायता करके, ठीक है 2 साल में। ये पूछ रहा हूँ क्या सहायता करी तुमने 2 साल में? भाई जब आपको जरूरत थी हमने आपकी सहायता करी, कोई तो ऐसा होगा जो आपके पास आता होगा सहायता मांगने के लिए जब उसको जरूरत होगी। सहायता का मतलब सिर्फ पैसे तो होता नहीं। बोलो सर आपके बारे में बता दो। अरे मेरे बारे में बताते तो मेरी पब्लिसिटी थोड़ी चाहिए। अब हमारे पास जो आएगा पूछताछ वगैरह हम बता देते हैं। मेरी पब्लिसिटी थोड़ी चाहिए मेरे को जी। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आदमी दुखिया रहा तुम्हारे पास आता है उसकी सहायता करो। अगर रास्ते में मिल गए कोई सर? रास्ते में क्यों, आस पड़ोस में पूछो कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है बताओ जी। चलो हफ्ते में एक दिन 3-4 बच्चों को अपने मोहल्ले से बुला के घर में ब्राह्मणों की तरह खाना खिलाओ। हो गया पक्का? जैसे ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं ना, तो ऐसे ही हफ्ते में एक दिन ढूंढना, चलो आ जाओ, 4 बच्चों को बोलना मेरे घर में खाना बना के खिलाऊंगी, वो इसके नाम पे हो जाएगा। आस पड़ोस में सर मेन प्रॉब्लम वहाँ पे सर, मतलब जैसे किसी को बुलाने के बाद पता है ये जो टोटम की तरह मानता है सर, बच्चे मेरे बच्चे के उसके पास शक समझते हैं, मेरे पास नहीं जाएंगे क्या है नहीं है, ना मांगे मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं तो बुलाने को बोला है, नहीं आएंगे तो बुला नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं आने देते ना सर, कोई बात नहीं। प्रसाद वसाद भी दीजिए तो कोई भी ना लेता, पूजा पाठ करके हम लोग आए, कोई बात नहीं, तो केले बांटो जी। मैंने तो ये बोला है कि जिसको जरूरत है उसको दो, मैंने ये नहीं बोला है कि जबरदस्ती दो, जिसको जरूरत है उसको दोगे ना, जबरदस्ती थोड़ी दोगे आप उसको। तो आप बोलना किसी को भी, मेरे घर में जो है हफ्ते में मैं 4 लोगों को खाना खिलाता हूँ, किसी ने खाना है तो आ जाओ। चलो जिसका कोई नहीं उसका समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। आपके पास में भी ऐसा कोई बच्चा है जिसमें आपको लगती है कि उसको हार्ट की सर्जरी की जरूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें अप्रोच कर सकता है। और ये थे शिव शंकर, नमस्कार। ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग, और आज 30 अप्रैल 2019 को हमारे साथ कई अगला लॉट 2 पेशेंट्स हैं। प्रेमपाल जी हमारे पास आए थे 2014 में, और इनको था रोमैटिक हार्ट डिजीज एयर, और इसके साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इनके साथ में इसको CLL का प्रॉब्लम है जो लास्ट ईयर डायग्नोज हुआ था, अभी मेडिकल मैनेजमेंट में है। और विमला देवी हमारे पास आई थी 2017 में, और 2017 में इनका RML में ASG क्लोजर कराया था, अभी ठीक है और दवाइयों में चल रही। खाना खूब बर्फ़